हमारे बीच परशुराम जी यादव उपस्थित हुए, उनसे निवेदन करता हूँ कि समिति उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। विराजमान हेलो हेलो, आप सभी मनपसंद रचनाओं को श्रवण कर रहे हैं तो हम मंडलों का भी प्रयास है कि आप सभी को ऐसी ऐसी चीजें हम सुनाते रहें जो कि हर कथाओं से हमें कहीं ना कहीं शिक्षा मिलती हो, शिक्षा प्राप्त। और वैसे इस कलयुग में कई वारदातें ऐसी हो जाती है जो बहुत समय से चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है, समझ लेना। तो ऐसे ही मनपसंद रचना आपके समक्ष सच्चाई की हमेशा निंदा करते हैं लोग, सच्चाई की हमेशा, सच्चाई की हमेशा निंदा करते हैं लोग। बड़ा बुरा होता सुनो ये जलने, हमें अपने आप पर अभिमान नहीं करना चाहिए और करते हैं तो उसे भुगत लेना भी चाहिए। एक समय की बात है, कश्यप ऋषि की वैसे 13 पत्नियां थी, उनमें से दो पत्नियां एक कद्रु और एक विनुता। कद्रु हमेशा अपनी बहन को नीचा दिखाना चाहते थे कि मैं कब इसे नीचा दिखाऊं और जीत मेरी हो। एक दिन मन में विचार आया, सुबह सुबह दोनों अपनी कुटिया के सामने बैठी हुई थी और सूर्य नारायण जी उदय हो रहे थे। तो देखिए, कद्रु ने अपनी बहन विनुता से कहा कि बहन तो बता, ये सूर्य नारायण जी उदय हो रहे हैं, वो रथ पर बैठकर चले आ रहे हैं, जरा बता तो सही, मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। जी जी जी। हेलो, एक विशेष सूचना, कबड्डी समिति से निवेदन करता हूँ कि उनके जो कबड्डी मैदान के करीब दुकानदारों ने दुकान लगा लिए है, कृपया समिति जाकर, और मैं दुकानदारों से निवेदन करता हूँ यदि आवाज बराबर पहुंच रही है तो आप कृपया 10-20 फीट दूर दुकान लगा लीजिए ताकि दर्शक लोगों को दिक्कत ना पड़े। दुकानदारों से निवेदन है कि आप जल्दी अपना दुकान थोड़ा सा 20 फीट दूर कर लीजिए भैया, भविष्य में तकलीफ ना हो। धन्यवाद। चलो धीरज जी। हेलो हेलो हेलो। तो कद्रु कहने लगे कि बहन विनुता, जरा तो मुझे बता तो सही, ये सूर्यदेव के जो सूर्य नारायण का जो रथ निकला हुआ है, सूर्य नारायण रथ पे बैठे किंतु उसके रथ में जो जुते हुए जो अश्व है वो मुझे दिखाई अच्छे से नहीं पड़ रहा, जरा बता तो सही किस रंग के अश्व जुते हुए हैं। विनुता ने सही सही बताया कि बहन, सूर्य नारायण के
रथ में जो घोड़े जुटे हुए जो अश्वज उतरे हुए हैं वे श्वेत रंग के हैं सफेद रंग के हैं। कदरू कहने लगे तू झूठ बोल रही है मेरा सर, सफेद रंग के नहीं है काले रंग के हैं, क्यों झूठ बोल रही है? शर्म कर झूठ बोलने से, बाकी झूठ कौन बोल रहा था इस कथा के माध्यम से आप सुने। आखिर कदरू ने कह दिया कि अश्व में जो अश्व जो जुते हुए उनका रंग काला है और थे तो वो सफेद है। तो अब ये साबित करना चाहती थी कि मैं किस तरह से साबित करूं। यही कथा सुनिए देखिए क्या होता है। माता कदरू कह रही हैं क्या ओ इतना बता दे
मुझे दिख रहा हो जैसे मुझे दिख रहा तुमको दिखता जैसे मुझे दिख रहा तुमको दिखता जैसे मुझे दिख रहा तुमको दिखता जैसे मुझे दिख रहा देखिए कद्रू ठान चुकी है ठान लेती है कि आज तो मैं किसी तरह से भिन्नता को नीचे दिखा कर रहूंगी अपनी दासी बनाकर क्या बात कहा बहन अपने दोनों के बीच में डिसीजन नहीं हो पा रहा है इसलिए अब तीसरे चौथे को भी बुलाना चाहिए वो डिसीजन करेंगे कि वास्तव में बात क्या है हम देखते हैं ना भैया पंडाल में आने वाली रास्ते में गाड़ियां खड़ी है बीच रास्ते में आप लोग कृपया हटा लें जैसे हम मोहल्ले में हैं और अपने घर का झगड़ा हमसे नहीं सुलझता है तो हम पड़ोसियों को बुला लेते हैं ऐसे ही हुआ तो बात यहाँ पर आई कद्रू ने कहा एक बात है बड़ी पड़ोसियों को बुला तो रहे हैं किंतु जो हारेगा उनके बीच में एक शर्त तय की गई थी कि जो हारेगा वो दूसरे की दासी बनकर रहे जनता ने स्वीकार किया कद्रू ने भी स्वीकार किया कि बहन अगर तू जीत गई तो मैं तेरी दासी बन जाऊंगी और मैं जीती तो तू मेरी दासी बन जाना कद्रू ने अपने जो कई पुत्र थे काले सर उनसे कहा कि पुत्रों आज बात दाव पर लगी है मेरी लाज बचाना है तुमको बोले माताजी कहो क्या क्या देश है तो कहा हमारे बीच में विनता और मेरे बीच में इस तरह की शर्त लगी हुई तो आप चिंता मत करो हम आपको जिता कर रहे हैं और सारे सर्पों ने क्या किया कि जो सफेद घोड़े थे ढेर सारे जो सर्प थे जाकर सब सारे घोड़ों पर लिपट जाते हैं क्या बात तो उधर घोड़ों का रंग काला दिखाई पड़ने लग जाता है देखिए क्या होता है कद्रू कह रही है सर्प वाली बात तो कह दी किंतु अगर बात मेरे तक आई अगर मैं जीत गई तो तुम दासी बनने से रुकना नहीं सर को वादे को भूलना नहीं कह रही अरे बात शर्तों की करके बहन बात शर्तों की करके बहन अपने वादे को भूल ना जाना क्या कहा वो बात शर्तों की करके बहन अपने वादे को भूल ना जाना उसे पता नहीं था कि दाल में क्या काला हो गया शत्रु ने क्या कहा चाल चल दी ये मिलता को याद नहीं था को सुनने के बाद हमें यह भी ज्ञात होगा कि कालिया नाग जमुना जी में क्यों रहता था इसी कथा के माध्यम से आप सुनेंगे कहना है कहा आज होगी परीक्षा
आज होगी पवित्र जहन की बात रख लेना अपने वचन। जैसे सूरज की, जैसे सूरज की पहली किरण, ओ जैसे सूरज की पहली किरण, ओ फर्ज हमको भी अपना हेलो भैया, पंडाल में बैठने की सुविधा है, आप लोग बढ़िया बैठकर देखें। उस साइड में पूर्व दिशा की ओर जगह खाली है, काफी संख्या में आप लोग बैठ सकते हैं। देखिए आगे क्या होता है। अरे सर पोने कपट छल करके, वो असवों पे लिपट जाते हैं। देखिए आज भी यही हो रहा है, झूठ का बोल वाला है और सच्चाई का मुंह काला होता है। हम देख रहे हैं आज भी यही चल रहा है, जो झूठा होगा जीत उसकी होगी और सच्चाई की हार होगी। सच्चाई परेशान होकर भी कहीं तो जीत सच्चाई की एक दिन होती है अवश्य। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ कहना। ओ सर पोने कपट छल करके, वो असवों पे लिपट जाते हैं। क्या हुआ क्या? ओ सच हार गया, ओ सच हार गया, झूठी एक जीत गई और एक हार गई। जब जनता हार जाती है तो दासी बनना वो स्वीकार करती है। तो कहना है वो एक जीत गई, एक हार गई, एक जीत गई, एक हार गई, एक जीत गई, एक हार गई। सर पो ने कपट छल करके, असवों पे लिपट हार गए, कोई न
क्या बात है, तो कहना है क्या? हेलो, कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच्चाई छिप सकती है मगर इंसानों में थोड़ा मेल होना चाहिए। बिल्कुल, सच्चाई छिप सकती है कि इंसानों में थोड़ा मेल हो, और खुशबू आ सकती है भैया पर कागज में थोड़ा तेल हो। क्या बात, तो कहना क्या? सर पोने कपट छल करके वो पेले पड़ा जानते हैं। इस दुनिया में जो सीधा साधा रहेगा, सीधे का फायदा कोई नहीं उठा देगा। भोली बड़ी अनमनी की है और अपनी बहन की दासी बन गई। जब पड़ोसियों ने साबित किया उन्हें तो जो दिखा वही कहा, सत्य तो हार गया। तो बाद में क्या हुआ, विनता का जो भाई था गरुड़, उन्हें ज्ञात हुआ। बहन ने बताया कि ऐसी ऐसी बातें हो गई, ठीक है बहन को चिंता मत कर, इन सर्पों ने तुम्हारे साथ में धोखा किया है, तो आज मैं बदला लूंगा, एक भी सर्प की जाति को नहीं छोड़ूंगा, सबको मैं निगल जाऊंगा। गरुड़ ने एक करके एक के बाद एक एक के बाद सभी सर्पों को खाना चालू कर दिया। एक कालिया नाग था सबसे बड़ा, उसने मन में विचार करने लगा अगर मैं नहीं बचा तो पता नहीं क्या होगा, मुझे तो बचना ही पड़ेगा। कालिया नाग वहां से भागा और सीधे जमुना जी में काली देह में जाकर छिप गया। यही कथा है। सर पोने कपट छल करके हस वो पेले पटा Hey!
हेलो श्री हरि भजन मंडल रंडाल जिला होशंगाबाद अति शीघ्र मंच पर आने का कष्ट करेंगे। मंडल का समय समाप्त होने जा रहा है। ये परमानंद श्री हरि भजन मंडल रंडाल।